हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो मैं और आज एएस सर मिलकर आ गए हैं एक नया टॉपिक कराने। सर कौन सा टॉपिक करा रहे हैं? सर आज कर रहे हैं हम 12th स्टैंडर्ड का सेकंड टॉपिक, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट लास्ट लास्ट टाइम हमने 12th का टॉपिक लिया था इलेक्ट्रोस्टेट। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज जाके देखिए। और आज हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और काइनेमेटिक्स का भी टॉपिक आ चुका है हमारा। और सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी सारे सेशंस आ रहे हैं लगातार, यानी कि 4 से रात के 9 बजे तक हमारी लगातार लाइव क्लासेस होती हैं। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर पहला ही क्वेश्चन एंड से उठा दिया आपने, बट क्या करें, 2021 का क्वेश्चन है तो लेना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन सर सिंपल सा, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं। इन ए पोटेंशियोमीटर सर्किट ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट गिव्स बैलेंस पॉइंट एट 36 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। इफ अनदर सेल ऑफ ईएमएफ 2.5 वोल्ट रिप्लेसेस द फर्स्ट सेल, देन एट व्हाट लेंथ ऑफ द वायर द बैलेंस पॉइंट अकर्स। तो सिंपल सा है, प्रैक्टिकल वाला पॉइंट है, हमें देखना है। हमें एक स्टार्टिंग में ईएमएफ जो हमने सेल लगाया था 1.5 का, तब हमें एक जो पॉइंट बैलेंस पॉइंट मिल रहा था वो 36 सेंटीमीटर लेंथ में मिल रहा था। अब बैटरी को चेंज कर दिया, ईएमएफ को चेंज कर दिया 2.5 वोल्ट से, तो फिर नई बैलेंस लेंथ कहाँ पर आएगी? तो सर करें स्टार्ट। बिल्कुल सर, चलिए। तो सर बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं है, तो मान लीजिए ये आपका एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ये मैं फर्स्ट केस बना रहा हूँ, ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी। फर्स्ट टाइम जो आपने बैटरी लगाई थी वो लगाई थी आपने 1.5 वोल्ट की लगा दी थी। क्लियर? बिल्कुल। और इससे जो बैलेंसिंग पॉइंट, ये आपका गैल्वेनोमीटर होता है। बिल्कुल। दिस इज ओनली सेकेंडरी सर्किट, राइट? यस सर। प्राइमरी सर्किट अंडरस्टूड है कि ऊपर एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी लगी हुई है। तो दिस इज ओनली सेकेंडरी सर्किट। ये सारी बात सेकेंडरी सोर्स वाले इसके लिए चल रही है। तो यहां पे जो बैलेंसिंग लेंथ मिल रही थी दैट इज एम पॉइंट, और ये जो लेंथ आपको मिल रहा था L1, ये था आपके पास 36 सेंटीमीटर। ठीक है सर, क्लियर है? बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को एक चीज पता होती है सर कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है पोटेंशियोमीटर का, उसको हम के से डिनोट करते हैं। बिल्कुल। आप चाहे चाहो तो एक्स से ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब पहला केस देखेंगे तो बैलेंस लेंथ कितने मिल रही है सर? 36 पर मिल रही है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 1.5 वोल्ट इज बैलेंस्ड बाय के पोटेंशियल ग्रेडियंट। बिल्कुल। इनटू 36 सेंटीमीटर। बिल्कुल। ठीक। प्रोपोर्शनल टू वो लेंथ होता है जितना जिस पे वो मिल रहा है। बिल्कुल। अगर आपकी लेंथ बड़ी होगी तो आप मतलब ज्यादा बैटरी आपकी लगी हुई है सेकेंडरी सोर्स में। बिल्कुल। क्लियर है? दिस इज आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन बनाना चाहूं तो यहाँ पे जो बैटरी है रिप्लेस्ड बाय 2.5 वोल्ट। अगर मैं इसको बोलता हूँ E1, तो अब की बार जो हमारे पास बैटरी है E2, वो है 2.5 वोल्ट। तो फिर अगर मुझे सेम इक्वेशन अगर लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा? 2.5 = K × L2, जो न्यू लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब तो इतना तो हमारी ये शेयर है ही, बना देंगे, दो इक्वेशन हमारे पास हैं। आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको आराम से K से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि K की वैल्यू को क्वेश्चन में गिवन नहीं है सर। बिल्कुल। तो K कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आप L2 की वैल्यू निकाल सकते हो, जो आई गेस 60 सेंटीमीटर आती है। चेक कर लेते हैं सब। बिल्कुल 60 सेंटीमीटर आ रही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया। बस इक्वेशन को, बहुत बेसिक सवाल था और बहुत इंपॉर्टेंट भी था। हाँ, क्योंकि ये पैटर्न रिपीट बहुत होता है और आज शायद रिपीट होगा क्योंकि हम प्रीवियस ईयर वाइज चल रहे हैं, तो ये रिपीट होता हुआ दिखेगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन द कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लाइट, इक्वल लाइट नहीं होगा, इक्वल लेंथ होगा, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल इज 0.25 ओम। ओके, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज? ये भी सर बहुत बेसिक सवाल है। बिल्कुल है, थ्योरेटिकल है। हां, जिसको सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन समझ आता है उसको, उसके लिए बहुत इजी सवाल है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है सर, जैसे आपके इसने बोला है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है 4 वायर का व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, राइट? तो मैंने एक काम करता हूं, मैं सर 4 रेजिस्टेंस बना देता हूं। बिल्कुल सर। ये आपके पहला, और सर रेजिस्टेंस इक्वल दिए? हां इक्वल है। तो फिर तो ये बड़ा सिंपल सा शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी बन जाता है। जब सेम रेजिस्टेंस को आप n टाइम्स रिपीट करते हैं पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पता ही होगा क्या फार्मूला बनता है, R/N। तो यहां 4 टाइम्स है, करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा फर्स्ट केस से, R/AB = R/4, क्योंकि 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। ये सर गिवन है 0.25 ओम, तो आर की वैल्यू हमें यहाँ से मिली गई सर, R = 1 ओम आ गया। अब आपको क्या बोला है सर?
आप बोला है कि यही अब सीरीज में कनेक्ट कर दो, बहुत बेसिक सवाल है, तो सीरीज में कर देंगे तो 4R बन जाएगा सर। अब ये पूछ रहा है इक्विवेलेंट, अब तो ऑप्शन ही देखने लग गया मुझे। फोर आर और ये रही आपकी वैल्यू 1, तो पुट कर दिया तो 4 आ गया। इसमें दो चीज आ गई सर, एक चीज हम ये भी नोट कर सकते हैं कि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, सीरीज का कैसे निकालते हैं। बहुत लोगों को ये परेशानी होती है सर पैरेलल पहचाने कैसे। हाँ सर, पैरेलल पहचानने का बहुत बेसिक तरीका है कि जहाँ पे भी आपको जंक्शन नजर आ जाए, जंक्शन में या फिर नोड कह लो आप, जहाँ पे भी जंक्शन मिलता है और करंट डिवाइड हो रहा है, दैट कुड बी अ सर्किट ऑफ पैरेलल। और यहाँ पे आपको ऐसा कोई जंक्शन नहीं मिलेगा, मतलब करंट अगर आया एक साइड से तो दूसरी साइड से करंट निकल जाएगा, कहीं भी करंट स्प्लिट नहीं होता, नहीं होगा। तो जहाँ पे भी करंट स्प्लिट होता है दैट इज पैरेलल, और जहाँ पे करंट स्प्लिट नहीं होता है दैट कुड बी अ यानी कि करंट डिफर करेगा, वोल्टेज सेम रहेगी, करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिफर करेगी, सिंपल सा। वोल्टेज यहाँ पे डिक्रीज होती जाती है, यहाँ पे वोल्टेज, और अभी इस केवीएल केसीएल भी आएगा वहाँ पे, हम जंक्शन और नोड में भी डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट करेंगे। चलो ये आपका आंसर आ गया 4 ओम, हमारा आंसर आ गया बिल्कुल। अब आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी रो, ये पी मत समझना, रो है, विद टेम्परेचर टी फॉर कॉपर। पेपर में भी कई बार ये ऐसे आ जाते हैं सिंबल गलत, तो कोई बात नहीं बेटा, वो मैथ्स के थोड़े सिंबल और सिंबल लिमिटेड है और वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो कई बार हमें सेम वेरिएशन पर दो तीन क्वांटिटी को बताना पड़ता है। अब सर यहाँ पे ग्राफ दे रखे हैं, तो अब सर क्या करें इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसने स्पेसिफिक मेंशन किया इस बार सर कॉपर, ये सिंपल मेटल भी बोल सकता था, बिल्कुल ये आपका कॉपर मेंशन किया, हाँ तो कॉपर है तो इसका मतलब मेटल है। ये सर ट्रिकी क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट्स को याद ही होना चाहिए। जैसे अगर अपन नॉर्मली सर देखें, हाँ, तो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ जो चेंज होता है दैट इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा कोफिशिएंट डेल्टा टी, बिल्कुल। इसको अगर अपन ओपन करते हैं तो क्या बनता है, दिस इज रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो सर ये इक्वेशन किसकी नजर आ रही है आपको, ये इक्वेशन है वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, तो ये क्या स्ट्रेट लाइन है। अगर इसके हिसाब से बच्चा अगर चलेगा तो ग्राफ क्या बनाएगा, वो ग्राफ ये बनाएगा डेल्टा टी, हाँ बिल्कुल रो, और ये ग्राफ बन जाएगा। बट इसने सर क्या बोला है अपने को, कॉपर मेटल बोला है, हाँ। यहाँ पे बच्चों को याद होना चाहिए कि कॉपर मेटल के लिए जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ होता है वो होता है सेकंड, जो कि क्या है कि कॉपर की क्या है, ये मेटल के केस में बता दूं, थोड़ी सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर सिंपल सी बात एक ध्यान रखना, देखो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है, तो जहाँ मेटलिक केस होता है जैसे कॉपर हो गया, उस केस में जब लो टेम्परेचर पर हम बात करते हैं वहां पर टेम्परेचर, अब ध्यान से सुनना, देखो जिस हिसाब से हमें इक्वेशन मिल रही है आप देख रहे हो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ एक लीनियर वे में आगे बढ़ रही है, तो ये एक आइडियलाइज केस हो गया, हाँ ये जनरलाइज केस हो गया। अब मेटल के केस में क्या होता है कि मेटल जब ये कहानी हम बात कर रहे होते हैं तो ये एक हाई टेम्परेचर पर बात चल रही होती है, मेटल के केस में टेम्परेचर में वेरिएशन हो गया, एक हो गया लो टेम्परेचर हो गया हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर में तो आपको वापस से लीनियरिटी थोड़ी सी दिखने मिलेगी, बट जब लो टेम्परेचर का केस आता है तो वहां पर नॉन लीनियर ग्राफ बनता है, तो दैट्स वाई अगर हम दोनों का मर्ज करके कॉम्बिनेशन बनाए तो ये ग्राफ है जो थोड़ा सूटेबल हो रहा है हमारे। हालांकि यहाँ पे आपको हाई पे भी इतना नहीं दिख रहा होगा कि स्ट्रेट जा रहा है, बट इसे हम थोड़ा लीनियर मान सकते हैं, बट ये वाला रीजन देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये तो कंप्लीट नॉन लीनियर रीजन है, तो इसलिए ये सेकंड ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हम इन्हें याद कर लेते हैं, हो सकता है कि 20 में ना बना हो ये बच्चों से, बट 21 22 23 में बने तो आपको ये आना चाहिए, ये आप याद कर लीजिए, ये आपके लिए सबसे सूटेबल रहेगा, बिल्कुल याद कर लीजिए कि कॉपर का केस है या फिर कोई मेटल का केस है तो आपको याद रखना है, कॉपर बदल सकता है नेक्स्ट टाइम, बस ध्यान रखना है। जनरल केस अगर आपको जस्ट पूछता है कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का चेंज बताओ तो दिस इज करेक्ट, अगर उसने बोला है कि नहीं स्पेसिफिक मेटल है तो आप ये याद करना है आपको। चलो वैसे ये क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करो जब तुम्हारे पैटर्न कवर हुए हो, वरना रिस्क तुक्का मत मानना। चलो ये सर हमारा सेकंड आंसर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो फिर सर ये सर आप कर दीजिए, ये तो दिखने में खतरनाक सा लग रहा है सर, मुझसे बन जाएगा क्या, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द मैश शोन इन द फिगर इज। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है, यहाँ पे हम है ना ऐसे सर्किट देख के इसे स्किप मार जाते हैं कि इसे बाद में अटेम्प्ट करेंगे, जरा ध्यान से देखो यार क्या कह रहा है वो। इस क्वेश्चन को ऐसे ही तो करना है, आप यहाँ पे लेके आए एक रेजिस्टेंस आपने बनाया, एक ऊपर ये रेजिस्टेंस आपने बनाया, एक ये रेजिस्टेंस आपने बनाया और आगे, और ये लिख दिया मैंने बी और ये लिख दिया मैंने ए। अब मैं इसमें कोई सा भी रेजिस्टेंस फिल कर दूं आप एक मिनट में इसका आंसर बता दो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये सब सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो यही तो दिया भाई उसने, यहाँ पे थोड़ा सा
4 हो गया, यहाँ पे ये 8 हो गया, ऊपर वाला और ऊपर वाला 4 + 8 = 12 हो गया, और नीचे वाला 6 हो गया। अब इन दोनों का चाहिए तो फिर क्या करो सर, 12 × 6 / 12 + 6 कर दो, तो कितना हो जाएगा, एक काम करो 6 से 3 बार गया, 3 से 12 मेरे हिसाब से 4 आ गया, तो 4 + 4 हो गया आपका 8 और 8 + 8 हो गया 16 ओम। बहुत इजी था, कैलकुलेशन थी बट डराने वाला तरीका था। हमें भी ऐसा है सर, हमारे साथ भी धोखा ही हुआ है, हमने ये क्वेश्चन डाल तो दिया स्क्रीन पर, बाद में हमने देखा यार ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, हमें लगा इसमें कुछ अच्छी चीज पूछेगा, बट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, बट प्रीवियस ईयर है तो इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सर बहुत इजी सवाल है, केवल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो अपने को एक फॉर्मूला तो पता ही, रेजिस्टेंस का क्या होता है सर, रो आर इक्वल्स टू रो एल बाय एल बाय ए, बस इससे ज़्यादा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। देखिए सर क्या बोल रहा है, एक आपके पास सिलेंडर है ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसने दे रखा है अपने पास A1, ठीक है, यहाँ पे कुछ करंट गया होगा, बिल्कुल गया, और यहाँ से निकला होगा करंट, निकला होगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, निकल गया A1 से, और जो उसकी लेंथ दे रखी है वो दे रखी है L, सपोज कर लो ठीक है। अब बोला है कि सेम रेजिस्टेंस का एक और ब्लॉक है सर, सर लेंथ भी हाँ लेंथ भी सेम है, लेकिन अब की बार क्या है सर, वो सेक्शन एरिया वो स्क्वायर है, बिल्कुल अब की बार जो उसको क्रॉस सेक्शन एरिया मिला है सर, वो अपने पास ऐसा कुछ मिला क्यूबॉइड वाला, बिल्कुल बन जाएगा ठीक है सर, हाँ इसको कनेक्ट कर दो ठीक है, तो इसकी लेंथ भी सेम हो गई एल, एल इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बोला A2 बोल दिया है, बस अगर आपको R1 लिखना है तो क्या लिखेंगे, रो L अपॉन A1, R2 लिखना है तो आप क्या करेंगे, R2 इक्वल टू रो L, लेंथ सेम अपॉन A2। अब एक और दे रखा है क्वेश्चन में कि दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल है सर, तो बस हो गया R1 इक्वल टू R2 करो, R भी इक्वल, रो भी इक्वल, L भी इक्वल। अब कहानी क्या इसने गड़बड़ करी, इसने बोला A1 अपॉन A2 का रेशियो बताओ, अब A1 अपॉन A2 ही तो वेरी कर रहे थे एक्चुअली में, A1 और A2 ही शायद वेरी करते क्योंकि फॉर्मूले से दोनों की वैल्यू बदलती, बट इसने इनका तो रेशियो ही पूछा है तो फिर इनकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, तो फिर सारी चीजें कांस्टेंट है तो सब कैंसिल आउट होंगी, 1 आ जाए। कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता अगर वो R1 / R2 पूछ लेता तो सर, तब मेरे हिसाब से ट्विस्ट, वो तो गिवन है क्वेश्चन में, हां R1 / R2 तो बोल रखा है सेम रेशियो, हां नहीं अगर ये कहता कि अगर R1 R2 अगर सेम नहीं है और फिर वो बोलता रेशियो, तब फिर दोनों के A1 का रेशियो, फिर A1 / A2 का रेशियो, क्योंकि यहां का फार्मूला अलग होता और यहां का फार्मूला अलग हो जाता, ये तो सिर्फ साइड्स का स्क्वायर हो जाता और ये क्या होता सर πr² तो फिर कहानी ट्विस्ट आती है, बाकी सब कुछ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इजी है, मगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन हो सकता है कि वो R1 / R2 आपसे करवा दे और ये बोल दे कि R1 R2 सेम नहीं हो, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है सर, अच्छा है सर, हाँ तो मैं क्या छोड़ दूँ इसे फिर, नहीं 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 रीड कर दी, मैं तो सर बच्चे की तरह पूरा ट्रीट करूंगा, मेरे को तो इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग्स ऑफ द वोल्ट मीटर एंड एमीटर विल बी, बिल्कुल लगा हुआ है अब सर, आपके पास एमीटर है, बिल्कुल है सर, सर इसमें कुछ बेसिक चीज हमको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है, कि जो एमीटर होता है आपके पास एमीटर ए, इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, जीरो, या फिर आप ऐसे लिखो कि R टेंड्स टू जीरो, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल है, ये आइडियल के, हाँ आइडियल ठीक है, ये दोनों आइडियल है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये मुझे लगा कि इससे मेंशन करना चाहिए, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास वोल्ट मीटर है तो इसका रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई 10 to infinity मानते हैं, बिल्कुल तभी बिल्कुल टॉप मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, और तभी करंट होगा, तो हमारा जो मोटिव है सर्किट में लगाने का कि वोल्ट मीटर को लगाया जाता है पैरेलल में, बिल्कुल, और एमीटर को लगाया जाता है सीरीज में, इसका लॉजिक यही है सर कि वोल्ट मीटर अगर पैरेलल में लगता है तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू जो ड्रॉ करता है ये स्मॉल आई, तो स्मॉल आई इफ रेजिस्टेंस इज लार्ज पैरेलल में जीरो हो जाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, सपोज रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आपको दे रखा है 5000 ओम, जो कि बहुत कम है, आइडियल से बहुत कम है, मैंने मान लिया, इसमें अगर मैं 10 ओम ऐड कर देता हूँ कुछ फर्क पड़ने वाला है सर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, दोनों में आई की जो वैल्यू ये ड्रॉ करेगा दैट इज नेग्लिजिबल, तो यहाँ पे आप लिखो आई टेंड्स टू जीरो और इसमें भी लिखेंगे आई टेंड्स टू जीरो, हाँ ये I1 है, दिस इज I1, टोटल करंट इज I1, I1 इज टोटल करंट ऑफ सर्किट, I2 इज टोटल करंट ऑफ सर्किट 2, मैं क्या लिख रहा हूँ सर, मैं लिख रहा हूँ इंटरनल वाला करंट ड्रॉन बाय V1 एंड करंट ड्रॉन बाय V2, ये जीरो हो गया, क्लियर,
ये टेंड्स टू जीरो है दोनों ही केस में, क्योंकि आइडियल है, आइडियल मैंने वैसे ही इतना मान लिया। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो वो इससे एग्जाम्पल देखे, 5000 में मैं 10 ओम ऐड करने पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर, बहुत बड़ी क्वांटिटी है वो, ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या रहा, वोल्ट मीटर जो मेजर करेगा वो करेगा पोटेंशियल ए और बी का, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करेगा, ए एन बी का, बिल्कुल। तो अगर मैं लिखना चाहता हूँ वी ए बी, तो मैं क्या लिखूंगा सर, मैं लिखूंगा जो भी करंट आई वन है माइनस जीरो, कोई फर्क पड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये वी ए बी भी क्या हो जाएगा इस केस में, हो जाएगा आई वन इंटू टेन ओम, क्लियर, बिल्कुल सर। और ये वाला पॉइंट है ए डैश बी डैश, मान लें इसको, बिल्कुल सर। तो ये आ जाएगा वी ए डैश बी डैश, ये भी हो जाएगा आई टू इंटू टेन ओम, ठीक है। अब देखिए सर, दोनों केस में वोल्टेज ड्रॉप इक्वल है, क्योंकि बैटरी आपकी क्या लग, हाँ ड्रॉप हो जाएगी, बिल्कुल। तो जब करंट ड्रॉ, आपके पास यही तक आपके पास लॉजिक लगाना है आपको, कि करंट ड्रॉन बाय वोल्ट मीटर इज नेग्लिजिबल, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला, 10 ओम ऐड करूं चाहे 100 ओम ऐड करूं, क्योंकि आइडियल है। कंफ्यूज भी अगर ये होना चाह रहे हैं तो देखो ऑप्शन भी नहीं मिल पाएगा। माइंड में क्या आ सकता है मिथ, माइंड में ये एक प्रॉब्लम आ सकती है कि देखो 10 वोल्ट इस पे जो अप्लाई हो रहा है, 10 ओम पे रेजिस्टेंस पे वोल्टेज होगी वो 10 वोल्ट के बराबर होगी, तो इस V1 की वैल्यू भी 10 ओम आनी चाहिए, 10 वोल्ट आनी चाहिए। तो ये तो चीज हमें डायरेक्ट पता चल रही थी V1 की वैल्यू 10 वोल्ट है। अब आपके माइंड में जैसा था ये होगा कि 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है तो कुछ 10 ओम ने भी खा लिया होगा, तो V2 की वैल्यू कम हो जानी चाहिए, 10 वोल्ट से कम हो जानी चाहिए, यानी कि सर V1 ग्रेटर देन होना चाहिए V2, बट यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, तो पजल होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मगर रीजन क्या है वो सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट मानना है, 10 ओम लगाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये साइंटिस्ट बन जाते हैं, इसलिए ऑप्शन वाले ने भी वो दिया नहीं। मगर सर वास्तव में मजा आ जाता, अगर यहाँ पे V1 ग्रेटर देन V2 दे देता तो सर 99% बच्चा उसको ही टिक करके आता। एक जनरल आदमी यही बोलेगा ना कि पैरेलल में वोल्टेज लग गई 10 ओम, कुछ तो कुछ खाएगा ही, कुछ तो खाएगा ही, उस हिसाब से वो गलत हो जाता। बट यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर ये मानो कि बहुत सीधा आदमी है, बहुत भोला आदमी, जिसने आपको ये ऑप्शन नहीं दिया, क्वेश्चन अच्छा था वैसे, और वैसे क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब ऐसे केसेस हो तो अगर नहीं मेंशन किया आइडियली तो उसे आइडियली ही हम जनरलाइज कंसीडर करना है। जब भी आइडियल, जैसे सपोज कोई वोल्टमीटर एमीटर देगा, अगर उसको क्वेश्चन में देना है कि आइडियल नहीं है तो ही विल प्रोवाइड रेजिस्टेंस आल्सो, आपको आरए का भी रेजिस्टेंस देगा और आरबी का भी रेजिस्टेंस देगा, बिल्कुल देगा, दे देगा और इसका आपको दे देगा 10,000 ओम। तो वो समझ जाओ कि फिर ये प्रैक्टिकल केस है। हां, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनके रेजिस्टेंसेस को भी कैलकुलेशन में काउंट करना पड़ेगा। तो ये हमारा ऑप्शन आई गया V1 इज इक्वल टू V2 एंड I1 इज इक्वल टू I2। आप इसको दिमाग में रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन था। ओह ये सर KVL है सर, ये KVL आ गया, KVL वापस से ले लें सर, KVL मेरे पे दे देते हो आप हमेशा। चलो द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इन द गिवन फिगर। हालांकि KVL का एक क्वेश्चन हम अभी और लेंगे, वहां आपको अब KVL में लूप बना के दिखाएंगे। अब सर ये भी एक माइंड का पार्ट है। अब ये क्या माइंड में मिथ होता है कि KVL अप्लाई करना है और ओपन सर्किट में कैसे होगा, लूप कहां है, ए से चले बी पे रुक गए, लूप है कहाँ पे? नहीं सर, क्वेश्चन पता है क्या होता है, बच्चा बोलता है हमेशा क्लास में कि सर करंट तो फ्लो होता है लूप में, क्योंकि चार्ज तो हमेशा कंजर्व होता है, तो सर यहाँ पे करंट फ्लो भी हो रहा है और ओपन सर्किट भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो ए है, ये आपको सर्किट दे रखा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किट, आपको एक सर्किट का कुछ पार्ट तोड़ के यहाँ पे चिपका दिया है, दैट्स इट। ये एक सर्किट का पार्ट है, बिना सर्किट के करंट फ्लो नहीं होगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ इनको कनेक्ट कर दो, एक को बड़ी प्लेट मान लो, एक को छोटी प्लेट मान लो, ऐसे इंटरनली कनेक्ट कर दो, करो ऐसे डॉट डॉट डॉट, ऐसे मान लो तो लूप दिख जाएगा। अब लूप दिखने लग गया, तो अब ऐसे क्वेश्चन में स्टार्ट कैसे करते हैं? तो कोई बैटरी अगर सर्किट में लगी होती तब तो हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव ले लेते हैं, बट यहाँ तो हम सीधे VA से स्टार्ट करेंगे। इसका कंसेप्ट बता दूं फिर आपको? हाँ चाहे आप देना चाहो तो आप दे दो, मैं भी देता वैसे। तो इसका एक सीधा सा कंसेप्ट, एक थंब रूल आप याद करो कि जब भी मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है, जब भी, सॉरी मैं उल्टा बना दिया मैंने, माफ कीजिए, माफ करना सर, कोई दिक्कत नहीं सर। जब भी मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ बढ़ता हूँ तो हमेशा मैं क्या करता हूँ, एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा। सपोज आप पहाड़ी चढ़ते हो सर, तो बस लो पोटेंशियल से हाई की तरफ बढ़ोगे तो एनर्जी में हमेशा इंक्रीमेंट देना है, और आपको पता है KVL इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, दैट्स इट। लो पोटेंशियल से हाई की तरफ बढ़ोगे तो एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और जब हाई से अपन वापस लो की तरफ आएंगे तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। बस अब यही आपको सीन हमेशा याद रखना है, चाहे बैटरी हो चाहे रजिस्टर हो, ठीक है सर। आप चलो बहुत बढ़िया,
ये कॉन्सेप्ट तो समझ ही लिया। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो तीन तरीके हैं, हालांकि लूप में बहुत अच्छे से बताएंगे उसे कैसे लगाना है। फिलहाल अगर इसको आपको स्टार्ट करना है तो एक काम करना, यहां से सिंपल जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लो। बट ध्यान रखना बैटरी के दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। अगर आपने VA को पॉजिटिव मान लिया है तो VB आपका ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव या फिर लो पोटेंशियल। हाँ, लो पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसे अब स्टार्ट कर देते हैं। तो सपोज मैंने इसको पॉजिटिव से स्टार्ट किया, मैंने वोल्टेज ड्रॉप मान लिया VA। अब यहाँ पे दूसरा रूल आता है, रेजिस्टेंस पे भी वोल्टेज का ड्रॉप आ रहा है और ये वोल्टेज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी इस पर बड़ा डाउट है। अब सर ये मान लो दो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट नंबर P और ये पॉइंट नंबर Q। रेजिस्टेंस में करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है, हाई से लो। लो होगा तो अभी थंब रूल में क्या सिखाता है, हाई से लो। तो यहां पे क्या होने वाला है, ड्रॉप मतलब नेगेटिव। यहां पे आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। और इसी को मैं दूसरे तरीके से बोलता हूं, मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम चलो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि पोटेंशियल हाई, ये तो देखो अंडरस्टैंडिंग है, आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। बट आपको अगर ये नहीं तो एक फिजिकली चीज आपको जरूर दिखेगी, माई डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन। ये कॉन्सेप्ट तो हमेशा लगाओ कि आप कहां से चल रहे हो, ए से बी, तो ये दिस इज योर डायरेक्शन यानी माई डायरेक्शन। और करंट डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन है, तो माय डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन अगर रेजिस्टेंस पे सेम आ रही है तो वोल्टेज ड्रॉप हमेशा नेगेटिव लेके, जो सर बता रहे थे कि हाई से लो में जा रहे हैं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 2 एंपियर का करंट, 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, वोल्टेज मिल जाएगा ओम्स लॉ से। तो कितना आ जाएगा सर, 4 वोल्टेज वैल्यू आ जाएगी। अब ड्रॉप आया, फिर देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, जो सर ने बताया हाई पोटेंशियल से लो जा रहे हैं या बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, तो हम हमेशा बैटरी कैसी कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो माइनस का 3, अगेन करंट थोड़ी बदल जाएगा मेरे दोस्त, करंट तो अभी भी आगे जा रहा है। कहीं ऐसे मत करना कि सर यहां तक तो मुझे करंट की डायरेक्शन थी, अब इसके आगे करंट की डायरेक्शन नहीं मिल रही, ऐसा नहीं होता। सीरीज है, करंट सेम रहेगा, ये हमने पहले बोला था, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो यहां पे वोल्टेज ड्रॉप कितना जाएगा, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, यानी के कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। अगेन माय डायरेक्शन करंट डायरेक्शन सेम है, तो नेगेटिव लगा दिया, कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। अब देखो यहां पे समझना है, अब तुमने इसको पॉजिटिव लिया था तो या तो इसको नेगेटिव लिख के माइनस VB इक्वल टू करके क्लोज लूप कर दो, और क्लोज लूप का सम कितना होता है, इक्वल टू 0। या फिर कई लोग ऐसे भी करते हैं, इक्वल टू जिस पॉइंट पे जा रहे हैं उसको ऐसे लिख देते हैं, इक्वल टू VB, दोनों ही बात वैलिड है। तो आप खुद को जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं कंसीडर। बट अब हमें क्या चाहिए, VA माइनस VB, तो VA माइनस VB हमारे ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, 3, 7 और 2 9 वोल्ट हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है कि सर, प्लस 9 वोल्ट हमारा ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही। तो टिक कर दो इसे, आगे बढ़ जाते हैं, और सही आंसर है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट। हाँ सर, पोटेंशियोमीटर सर, एक बार पढ़ दो सर आप। क्वेश्चन ऐसा है, अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस स्मॉल आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई नॉट एंड रेजिस्टेंस ऑफ R1। ये रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, मार्क माय वर्ड्स। एन अननोन ईएमएफ ऑफ ई इज बैलेंस्ड एट अ लेंथ ऑफ एल, ठीक है, ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, देन ईएमएफ ई विल गिवन बाय। देखो सर, ये क्वेश्चन है ना, बिल्कुल थ्योरी का क्वेश्चन है, थ्योरी में जो जो कैलकुलेट करते हैं वो एक क्वेश्चन कैलकुलेट करवा रहा है। क्वेश्चन में सर ऊपर का भी करेगा, दोनों करेगा सर, ऊपर का फेस भी दे दिया है। तो सर मैं, आप बातें कीजिए थोड़ी सी, मैं आपको सर्किट बना देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो पहले जो हमें क्वेश्चन दिया था, इस सेम हमने पोटेंशियोमीटर से स्टार्टिंग करी थी, तब हमें क्या हुआ सर, हमें नीचे का सर्किट बैलेंस वाले केस का ही ईएमएफ दिया था। इस बार इसने देखो क्या दिया है, पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ ऑफ एल एंड रेजिस्टेंस स्मॉल आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई नॉट। ई नॉट कौन सा है, प्राइमरी सर्किट का ईएमएफ है, ठीक है। तो सर ने देखो प्राइमरी सर्किट का ईएमएफ लगा दिया ई नॉट, और उसके साथ सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया है R1। अब क्या कह रहा है कि इस प्राइमरी सर्किट के साथ अगर मैं किसी दूसरे ईएमएफ की बैटरी को, जिसकी वैल्यू ई दी गई है, उस ई बैटरी को या ईएमएफ के हम वोल्टेज सोर्स को लगाएंगे, तो सर जो बैलेंस लेंथ आती है, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे 0 हो जाता है, वो कितनी डिस्टेंस पे आ रहा है, वही सर हमें शायद फाइंड आउट करना है, एल पे आ रहा है, तो एल वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो बस सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का अपना फॉर्मूला लगाना है और बैलेंस करना है कंडीशंस को। ये हमारे पास सर्किट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे सर, पहले वोल्टेज निकालें सर। हाँ बिल्कुल, करंट निकालें, आई थिंक। हाँ करंट निकालना पड़ेगा। ये आपके पास प्राइमरी सर्किट है, बिल्कुल, और नीचे वाला आपके पास सेकेंडरी सर्किट है, सेकेंडरी, क्लियर।
फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सर्किट में करंट चलेगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ I नॉट, ठीक है, क्लोज लूप है, अभी सेकेंडरी सर्किट को कंसिडर बिल्कुल नहीं करना है फिलहाल, I नॉट करंट कला, चलो सर करंट की वैल्यू बता देते हैं, करंट की वैल्यू कितनी होगी सर? सर टोटल वोल्टेज जो प्राइमरी है E नॉट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया सर? R1 प्लस, बस यहीं पे खेल है, यहाँ पे दे रखा है पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल R, तो ये लेंथ टोटल लेंथ हो गई L और इसका रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल R, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आ जाएगी सर वो कितनी हो जाएगी? I नॉट प्लस R1। अब सर मेजर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, हमको ऊपर वाले सर्किट से मतलब नहीं होता, हमको मतलब होता है कि हमारा पोटेंशियल ड्रॉप वायर के अक्रॉस कितना है सर, ठीक है, तो वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वी ए बी दैट इज इक्वल्स टू, अब ओम्स लॉ बिल्कुल लगा दो, करंट अगर आपके पास आई नॉट है और ये आर है तो वी ए बी का वैल्यू कितना निकलेगा? दैट इज आई नॉट इंटू आर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी ई नॉट आर अपॉन आर प्लस आर वन, क्लियर है सर, वी ए बी निकल गया। अब मैं निकालता हूँ सर पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैंने नाम दिया के, आप सर कलर बदल लो मेरे साथ, हाँ बिल्कुल येलो ले लेते हैं, नहीं येलो तो शायद नहीं दिखेगा इस पे, हम कौन सा लें सर? ब्लू ले लें, ब्लू ले लेते हैं, चलो ठीक। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कैसे निकलेगी? दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर, दैट इज वी ए बी इंटू वी ए बी अपॉन ग्रेडियंट, मतलब लेंथ से डिवाइड करना, तो टोटल लेंथ कितनी दे रखी है आपको? कैपिटल एल, तो ये आपका कितना निकला? पोटेंशियल ग्रेडियंट निकला। ग्रेडियंट वर्ड जहां भी आता है ना सर, सिंपल सी बात है, जिस मैग्नीट्यूड के साथ ग्रेडियंट वर्ड लिखा है वो लेंथ से चेंज होता है, लेंथ होगा, अलोंग लेंथ वो लगा होगा हमेशा, तो एक तरह से डिफरेंशिएशन बिल्कुल। तो वापस देख लेते हैं, पहला स्टेप हमने ये वाला किया, करंट इन प्राइमरी सर्किट आई नॉट निकाल लिया, ई नॉट अपॉन आर, सेकंड स्टेप हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर वी ए बी, तो वी ए बी कितना आई नॉट अपॉन इनटू आर, दैट इज वैल्यू पुट करी, फाइनली क्या निकाला जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज के वी ए बी अपॉन कैपिटल एल। अब सर नेक्स्ट साइड कर लेते हैं, बस अब सर वी ए बी में पुट कर दो, तो बस हाँ, तो के की वैल्यू अगर मुझे लिखनी है तो वी ए बी कितना निकाला था हमने? ई नॉट आर प्लस आर वन इनटू आर, ठीक है, ये तो था वी ए बी और डिवाइड बाय एल कर दूंगा तो ये निकलेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ एक चीज हमको पता है, बस अब स्मॉल एल चाहिए, अब बैलेंस कौन सी बैटरी को कर रहे हैं? ई को, तो ई इक्वल टू क्या लिखेंगे? के इनटू एल, बस सर कहानी, हाँ कहानी हो गई खत्म। तो सेकेंडरी सर्किट अब आ रहे हैं, अब ये सब कहानी प्राइमरी सर्किट की चल रही थी सर, सेकेंडरी सर्किट की कहानी क्या है, ये बोलती है कि जिसको बैलेंस करना है आपको क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए पोटेंशियल ग्रिड और वायर, हाँ, और दिस इज बैलेंसिंग लेंथ एल। तो बस आप ई का वैल्यू, आपको क्वेश्चन ने पूछा था, के का वैल्यू आप निकाल चुके हो, ई नॉट आर अपॉन आर प्लस आर वन अपॉन वन अपॉन एल, ये तो गया के, और मल्टीप्लाई बाय एल कर देंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आता है। इसने सर कुछ भी नहीं करवाया है, जो थ्योरी आप पढ़ते हो उसको बस अप्लाई कर दो लास्ट तक, वो आपके पास बस ऑप्शन देख के डराया है, ऑप्शन बहुत गंदी, ऑप्शन देख के डराया है बस इसने, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो बैटरी आप लगाते हो सेकेंडरी वो हमेशा जिस लेंथ पे बैलेंस हो रही है उसके प्रोपोर्शनल होगी, लेंथ बढ़ती जाएगी पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ध्यान रखना है पोटेंशियोमीटर सर तभी वर्क करता है जब आपकी ई नोट का जो वैल्यू है वो ई से बड़ा हो, ऑब्वियसली, अदरवाइज क्या होगा सर, वरना ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, ये मेरे को लग रहा है फिर ये प्राइमरी बन जाएगा सर, ये प्राइमरी बन जाएगा सर, उसको सेकेंडरी हो जाएगा वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर सर पोटेंशियोमीटर, अच्छा ये तो वही आंसर आ गया, मैं बोला सर कितने पोटेंशियोमीटर लेके आए हो आप, बट क्या करें, ये तो प्रीवियस ईयर है, हमें तो सॉल्व करने ही पड़ते हैं। ये सर आपका मीटर ब्रिज क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस इन द टू आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड आर ओम रिस्पेक्टिवली व्हेन द रेजिस्टेंस आर इज शंटेड, ध्यान से, व्हेन द रेजिस्टेंस आर इज शंटेड विद एन इक्वल रेजिस्टेंस द न्यू बैलेंस पॉइंट इज एट 1.6 L1, देन द रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे? अब ध्यान से देख लो यार, क्वेश्चन तो बड़ा इजी सा है, क्या करना है, हमारे पास एक क्वेश्चन मीटर ब्रिज का जब भी कॉन्सेप्ट आता है तो हम क्या करते हैं सर, जल्दी से व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन
सबसे पहले बात तो ये याद करें कि इसके अंदर जो करंट की वैल्यू होगी वो ये तो जीरो हो गई। अब ये दो रेजिस्टेंस आपको दिखेंगे, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, ये नीचे के इस लेंथ के अलोंग रेजिस्टेंस है, दिखेगी लेंथ बट लेंथ के अलोंग रेजिस्टेंस है। सिमिलरली यहां पे भी लेंथ के अलोंग रेजिस्टेंस होगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर आपका, जैसे 5/R मैं यहां पे बोलूं तो 5/R इक्वल टू L1 बाय जो कि जो भी सेटिस्फाई लेंथ होगी L1 दी है अपॉन 100 माइनस L1। अब ये तो पहला केस है, बट सर केस तो घूम गया। अब केस कैसे घुमाया सर? अब केस घुमाया कि सेकंड केस में इस R के अक्रॉस एक और रेजिस्टेंस लगा दिया सेम नेचर का। हां बट सर यही तो पूरा खेल था, उसने ऐसे नहीं बोला पैरेलल लगा रहा है, उसने यहाँ पे चेक करना चाहा कि आपकी नॉलेज है कि नहीं। उसने बोला शंटिंग का मतलब क्या है, वो पैरेलल में होती है, पैरेलल में ही होती है। तो उसने बोला है कि इक्वल रेजिस्टेंस से शंट किया, इसका मतलब समझ जाना कि सेम आर रेजिस्टेंस से शंट कर दे। और ये तो हम जानते हैं कि जब सेम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जितनी बार रिपीट करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, R/N। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा सेकंड केस में, R/2। तो इक्वेशन आ जाएगी 5/R/2 इक्वल टू, अब L1 मत बोल देना मेरे दोस्त क्योंकि नई लेंथ 1.6 L1 है। तो 1.6 L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस, फिर L1 मत कर देना क्योंकि नई लेंथ 1.6 L1 ही है। अब इक्वेशनों को सॉल्व करना, ये इन पे छोड़ देते हैं। ये इक्वेशन आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद आई थिंक आंसर सर मैंने चेक नहीं किया कितना आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं, इतना तो कर लेंगे, 15 ओम आता है। बस ये दो बेसिक क्वेश्चन आपको याद रखनी है, ऑलमोस्ट बाकी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, डिवाइड करके ज्यादा इजी पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा, सिंगल इक्वेशन सॉल्व करनी है उससे आंसर आ ही जाएगा। चलो सर नेक्स्ट पे आ जाओ। ओहो KVL, बिल्कुल KVL सर, वापस ओपन सर्किट का आइए, अभी जो अपने किया था बस वही क्वेश्चन, तो इक्वेशन ही बना दें। बिल्कुल, और ये आप तीसरा रूट ऐसे अप्लाई करते जा सकते हो, ठीक है। ये आपके पास तीन रूट है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा रूट लेना चाहिए, करना चाहिए। अब ये सर टाइम खराब करने वाली बात है, अगर चलो मैं पहला रूट अप्लाई करता हूँ, ए से यहाँ तक गया तो सर इसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो मतलब और मैं फिर बोल दूं सर क्वेश्चन गलत है तो मैं आगे बढ़ जाऊं ऐसा कह के, सर वैल्यू डिफाइंड नहीं है अभी क्वेश्चन में, वैल्यूज नहीं दे रहे हैं, मैं इस पर क्लेम डालूंगा बाद में। तो पहला रूट तो अप्लाई नहीं किया, नहीं करना भाई। सेकंड देखिए सर, सेकंड में आता हूं 1 एंपियर सब कुछ दे रखा है, तो ये गायब है, हां रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो मतलब सेकंड रूट भी नहीं लेना, तो ये बोल दे कि डेटा कंप्लीट नहीं है, इनसफिशिएंट डेटा है, तो फिर ये लिख के आगे बढ़ जाओगे। नहीं बना सकता था सर, नन ऑफ द अबव, इनसफिशिएंट डेटा, हां ये सही हो सकता था बिल्कुल। अब अपने को अप्लाई कौन सा करना है सर, तीसरा रूट ए सी डी बी, तो रूट कौन सा अप्लाई करेंगे हम लोग, तीसरा रूट, हां ये बनेगा ए, ये हमारा वो बेसिक केवीएल अभी हमने जस्ट सिखाया ही है, बस स्टार्ट कहां से करना है सर, बस यहीं से चालू कर दो और यहां पे बोल रहा है टेकन टू बी 0, 0 का मतलब होता है सर यहां पे अर्थ कर रखा, अर्थिंग कर दी, बिल्कुल स्टार्टिंग VA से करते थे, तो VA को जीरो कर दिया, तो जीरो चाहे तो ऐसे लिख लो इक्वेशन, लिखना चाहो तो VA, बट VA की वैल्यू क्या है, जीरो है। फिर आगे बढ़ो, नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर से हायर, तो प्लस कितना है सर, 1 ही है। फिर सर आगे, अब सर देखिए यहाँ पे जंक्शन पे आ गए, अब सर बोलोगे इस ब्रांच में करंट नहीं है, करंट दे रखा है, कैसे 1 एम्पियर यहाँ से आ रहा था, हाँ 1 एम्पियर ऊपर से आया होगा, मिलके 2 एम्पियर बन गया तभी बनेगा, मतलब ऊपर वाली ब्रांच में कितना करंट है, 1 एम्पियर, और डायरेक्शन भी मिल गई अपोजिट, बिल्कुल। तो KCL ने सिखाया यहाँ पे, वरना तुम्हें डायरेक्शन गिवन नहीं थी, ये KCL से तुम्हें डायरेक्शन मिल गई, वरना इसमें तो सर इतना डेटा है ना कि इनसफिशिएंट तो मैं लिख के आ जाता। अब चलो माय डायरेक्शन करंट डायरेक्शन अपोजिट, तो सर पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, कितनी हो जाएगी सर, 2 × 2 यानी 2 आ जाएगी, ठीक है। फिर हम डी से बी जाएंगे, बिल्कुल, तो यहाँ तो डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं, अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव तो माइनस का 2, और सर इक्वल टू VB कर देते हैं, या फिर माइनस VB इक्वल टू 0, मैंने दोनों चीज बताई थी, आपके पास क्या था, अर्थ था, ये 0 है, 0 वोल्ट, तो बस तो VB की वैल्यू सर ऐड कर दो सारी, तो VB कितना हो गया, 1 वोल्ट ही बचा सर, बस इस क्वेश्चन में सर एक ही चीज थी, कौन सा लूप आई शुड सेलेक्ट, पेशेंस चेक किया सर मेरे हिसाब से,
यानी देखो केवीएल तो आदमी क्या सोच के आता है ना, सर्किट आया मैं केवीएल अप्लाई कर दूंगा इस बार, तो ताबड़तोड़ अप्लाई करूंगा सबसे, में भी नहीं घूमना है, अभी गोला सर्किट नहीं बनाना है, हां बिल्कुल भी नहीं, ब्रांच सेलेक्ट करनी है जो ए से बी तक पहुंचाए। तीन तरीके थे सर, दो तरीके गलत हैं, एक तरीका करेक्ट है, करेक्ट है, और तीसरा तरीका भी करेक्ट बनाया है थ्योरी से, करंट की वैल्यू निकालने के, अदरवाइज बोलते सर यहां पे भी तो एमपी डेटा इनसफिशिएंट कह के। अब ये देखो कई बार चांस की बात है, आप पहले पे जाओ फिर दूसरे पे जाओ तीसरे में भी जाओ और आपको लगे करंट नहीं है तो आप इसे छोड़ दोगे, फिर बोलोगे क्लेम करोगे बाद में आंसर शीट को कि भाई गलती करा एनटीए ने, ये किया वो किया, एपीएमटी था सर ये, बिल्कुल है उस टाइम की सर बात ही अलग थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन वापस से, अब तो ये सिंपल बेसिक पे आ गया, क्या कह रहा है सर सिंपल सा, केवीएल अप्लाई कर दो, कहां से कहां तक चाह रहा है सब सब लूप बना के देखें, सारे बना लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर भी नहीं पाओगे, सही बात है, अपने काम करते हैं, इसमें कितने लूप पॉसिबल है सर, एक तो मुझे दिख रहा है सर ऊपर वाला, बिल्कुल ये पहला लूप, एक नीचे वाला मुझे दिख रहा है और एक दिख रहा है मुझे जो ज्ञानी लोगों को दिखाई देता है जो पढ़ते हैं, कंप्लीट लूप तीन, हां तीन लूप, तीन लूप्स बन सकते हैं सर, तो बारी बारी से हम तीनों लूप तीनों बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि सर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो सर पहला बना के देखें, तो केवल एक आप बनाओ एक मैं बनाता हूं सर, तो सबसे पहले जब क्लोज लूप में हम लोग केवीएल लगाते हैं तो हमें एक चीज तो पहले डिफाइन कर लेनी चाहिए कि सर जो बैटरी का जो लो पोटेंशियल है, बैटरी का जो लो पोटेंशियल है उसको हम लोग मान लेंगे जीरो, बिल्कुल अजम्पशन, ठीक है, तो बस मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, बिल्कुल मेरा पॉइंट जो रहेगा ये पॉइंट रहेगा पी, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ इक्वेशन नंबर वन बनाना, ठीक है, चलो पी से स्टार्ट करता हूँ और घूम रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो पहला लूप है मेरे पास ई, फर्स्ट लूप इसको मैं घूम रहा हूँ क्लॉकवाइज, सॉरी, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैं लो से हाई की तरफ बढ़ा तो मेरे को लगाना है प्लस ई वन, फिर मैं यहाँ पे आया, करंट की वैल्यू कितनी है आई वन, आई वन, अच्छा मुझे ऊपर जाना है सर जी, तो यहाँ पे क्या आई वन लगा दूं क्या सर, अब ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि आई वन गिवन नहीं है कुछ भी, मगर नीचे तो गिवन है सर, नीचे है आई टू, हाँ इस जंक्शन पे आके दोनों का क्या हो जाएगा, अब केसीएल मेल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई वन प्लस आई टू, बस खेल हो गया, क्लियर है, बस खत्म, ऊपर वाली ब्रांच में करंट आई वन नहीं होगा, यहाँ पे एक जंक्शन मिल रहा है, जंक्शन पे करंट क्या होते हैं केसीएल से मर्ज हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऊपर वाली ब्रांच में करंट क्या होगा आई वन प्लस आई टू, आई वन प्लस आई टू किधर कर रहा था, बिल्कुल, और करंट की डायरेक्शन भी क्या है सेम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस, माइनस करंट डायरेक्शन माय डायरेक्शन सेम नेगेटिव, ये आ जाएगा आर, चलो आगे बढ़े, प्लेन वायर कुछ वापस घूम कर आए, नीचे आए फिर नीचे आए, अब करंट आई वन प्लस आई टू नहीं है, करंट फिर डिवाइड हो गया, यहाँ पे नीचे निकल जाएगा आई टू और ऊपर चले गया आई वन, तो बस आई वन है आर वन है, करंट और डायरेक्शन सेम है, सेम है, माइनस माइनस आई वन आर वन इक्वल टू आपको पता था इसलिए आपने पहले जान लिया, ये सर मैंने पहले सर पहला लूप ही बनाया, चलो कोई नहीं यार, मेरे बहुत अंदर से मेरा मन हो रहा है कि केवीएल तो मैं भी अप्लाई कर दूं, चलो तो सर कौन सा लूप ले लूं मैं, नीचे वाला लूप ले लूं, हां सर ऊपर अप कर दीजिए, ठीक है, या फिर ये बैक साइड वाली, आंसर तो आ ही चुका है, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं ना सर, लिखे रहने देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आंसर तो है ही इसी पे अप्लाई कर देते हैं आप सर, ये सेकंड लूप बना दीजिए, सेकंड में आ जाते हैं अपन, ठीक है ना, तो अब इसमें देखो आपकी चॉइस है कहां से चलना चाहते हो, पी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं यहीं से ही, ठीक है ना, अब मैं इधर से चलूंगा नीचे की तरफ, तो वापस से सर ने वही बोला लो से हाई जा रहे हैं तो सर कैसी लेनी पड़ेगी पोटेंशियल, सर पॉजिटिव आएगा, ई वन पॉजिटिव आ गया, चलो अब देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो अब ये मत बोलना आई वन को खींच के नीचे लेके आ जाओ, अब आई वन अपना जा रहा है आई टू अलग जा रहा है, यहाँ तो केसीएल है और केसीएल जंक्शन पे लगता है, बच्चे सर पता है क्या करते हैं कि सर यहाँ पे आई वन है आई टू, एक काम करता हूँ इसको नीचे आई वन करके माइनस कर देता हूँ माइनस आई टू, नहीं 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 एक ब्रांच में करंट की एक ही वैल्यू बहेगी भाई, यहाँ पे आई टू है तो आई टू ही चलेगा यहाँ पे, ठीक है, तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता I2 किधर जा रहा मैं किधर जा रहा हूं, मैं तो इससे मतलब रखता हूं, तो मैं तो सर करंट के अपोजिट जा रहा हूं, माय डायरेक्शन करंट डायरेक्शन अपोजिट, तो सर क्या होगा पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप आएगा, तो सर पॉजिटिव का साइन लगाओ और वोल्टेज मल्टीप्लाई कर दो I2 इनटू R2, तो I2 इनटू R2, अब वापस से बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव फिर मूव कर रहा हूं माय डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो वापस से माइनस का
E2 और फिर क्या बचा सर, वापस ऊपर आ गए। अब ऊपर आते ये मत बोलना कि I2 को उधर ले चले, I2 यहीं तक है, अब वापस I1 आ गया। अब वापस से माई डायरेक्शन करंट डायरेक्शन सेम, तो इस बार नेगेटिव आ जाएगा सर, कितना माइनस का I1 और R1 इक्वल टू कर दो जीरो, तो ये इक्वेशन बन गई जो कि आपको नहीं मिलेगी यहाँ कहीं, क्योंकि सर ने तो पहले ढूंढ लिया था प्लान सर। ठीक है, वापस आप तीसरी बना सकते हो, भी वो आप लोगों के लिए छोड़ दी, कमेंट में सब बताएंगे। बिल्कुल, ठीक है ना, बट ऑप्शन में नहीं मिलेगी, फिर बता रहे कहीं ढूंढो कि सर जो बता रहे वो तो मिल ही नहीं रही भाई। करेक्ट एक ही है, करेक्ट एक ही है, बाकी ये गलत है। ठीक है, चलो अब कुछ बचाएंगे सर, अब तो मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन होगा सर अपना। नहीं सर, बाकी है, अभी तो बाकी है सर। चलो सर खींच दो फिर मीटर, क्वेश्चन पढ़ दीजिए सर आप। द रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर इज 13 ओम एंड इट्स स्केल इज ग्रेजुएटेड ए करंट अप टू 100 एम्पियर्स आफ्टर एन एडिशनल शंट हैज बीन कनेक्टेड टू दिस अमीटर इट बिकम्स पॉसिबल टू मेजर करंट्स अप टू 750 एम्पियर्स बाय दिस मीटर द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इज। मैं तो डिटेल पढ़ता रह गया, ऊपर क्या बात कर रहा था नीचे बोल गया मैं सर। ठीक है सर, मैं बता देता हूँ। तो सर देखिए, सबसे पहले एक चीज बताता हूँ मैं आपको। हाँ, हर मीटर, हाँ शंट आया बिल्कुल, हर मीटर की एक औकात होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो औकात कौन सी होती है, कितना करंट वो झेल सकता है। बिल्कुल, ठीक है, हर पर्सन की अपनी औकात होती है, कोई ज्यादा प्रेशर ले सकता है, जैसे हमारे बच्चे बहुत प्रेशर ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते, बिल्कुल हमारी औकात नहीं है भाई। तो जो ज्यादा प्रेशर ले पाए उसकी ज्यादा औकात हो गई। तो ये आपका एमीटर है, इसके अंदर जो करंट की वैल्यू थी ये दे रखा है सर 100 एम्पियर। बिल्कुल, अब सर एक बात बताता हूँ मैं आपको, इसने क्या दे रखा है, एमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 13, तो यहाँ पे जीरो नहीं मानने का है। बिल्कुल, ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है RA इक्वल्स टू 13 ओम, क्लियर है। बिल्कुल, ये पहला जो दे रखा है ना सर, ये दे रखा था इसकी औकात, औकात क्या है सर इसकी, 100 एम्पियर से 101वां एम्पियर गया तो ये हो जाएगा बस्ट, जल जाएगा सर। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ और यहाँ पे अगर पॉइंट बी बोल देता हूँ, तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल अक्रॉस एमीटर VAB आना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी आएगा। ये कितना है आपके पास 13 × 100, इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब क्या है सर, इतना तो वोल्टेज झेल लेगा और इतना करंट झेल लेगा, इसकी औकात हो गई खत्म। लेकिन सेकंड केस में बोला है इसकी औकात बढ़ाई गई सर, एक दोस्त आ गया साथ में इसका कि तेरा लोड मैं कवर करूंगा, जैसे मेरा लोड कुंतल सर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पास क्या आ गया, आपने बताया नहीं सर कौन सा लोड देने वाले हो आप मुझे हैं। नहीं नहीं, आप ले रहे हो सर। तो अब ये दोस्त आ गया, शंट नाम हमने पहले सुना हुआ है, शंट का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये मैंने शंट लगा दिया। तो भाई साहब अब क्या हो गया, अब बोलेगा लोड आने दो भाई, लोड झेल लेंगे। तो भाई मेरी औकात तो कितनी थी 100 की, इससे ज्यादा मैं ले नहीं सकता, रेस्ट ले लिया कुंतल सर ने, तो यहाँ पे आ गया टोटल करंट, अगर आई नॉट आ रहा है आपकी बार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा I0 - 100। ठीक है सर, और यहाँ से निकल गया वापस I0। इसका मतलब है मीटर की कैपेसिटी बढ़ चुकी है, पहले 100 एम्पियर रीड कर रहा था, तो अब I0 रीड कर लेगा, क्योंकि इसके पास एक हेल्पिंग हैंड आ गया है, वो है शंट आ गया। अगेन सर दोनों पॉइंट यही है, ए और बी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, जो VAB यहाँ पे है वही EB यहाँ पे भी है, तो इसकी इक्वेशन तो हमने ऊपर लिख दी थी सर, इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, वो फाइनली क्या है, VAB इक्वल टू शंट इनटू करंट I0 माइनस 100। और सर दोनों को कंपेयर क्लियर है, ये आपकी इक्वेशन दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, मिल बांट के लोड ट्रांसफर कर, लोड अपने पास शेयर कर रहे हैं, ऊपर वाले का VAB मैंने निकाल दिया था, नीचे वाले के लिए VAB की इक्वेशन मैंने लिख दी है। अब आपको दे रखा है, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, I0 की वैल्यू दे रखी है 750 एम्पियर। बिल्कुल, तो बस नेक्स्ट में कर लूँ। बिल्कुल सर, डाल दो आपका डेटा। तो आपके पास जो है वो आ जाएगा VAB इक्वल टू शंट 750, I0 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 750 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 750 - 100। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी, और इक्वेशन नंबर 1 थी VAB इक्वल्स टू 100 एम्पियर का करंट है और रेजिस्टेंस दे रखा है 13। दोनों को इक्वल हैं, दोनों पैडल में कनेक्टेड हैं, दोनों का आप करो इक्वेट, तो आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, दिस इज 650 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास 1300। तो शंट की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। तो सही से एक चीज और सीखी हमने, क्या एमीटर का रेजिस्टेंस कितना था,
ये था 13 ओम और शंट का रेजिस्टेंस कितना आया 2 ओम। क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि जब दो चीज़ें पैरेलल में लगी होंगी तो छोटे वाले में रेजिस्टेंस क्या, छोटे रेजिस्टेंस में क्या होगा, करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर, तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा तभी शंट का, हाँ, पर्पस है। शंट का पर्पस तभी है। सर इधर मैं लगा देता 15 ओम का तो वो तो बराबर करंट, हाँ तो बल्कि मेरा और ले, हाँ बिल्कुल। तो शंट की वैल्यू छोटी है इसलिए इसने 650 एम्पीयर करंट झेल लिया। और एमीटर का रेजिस्टेंस कितना था, आर इक्वल्स टू 13 ओम, इसके पास 100 की औकात थी। तो ये ऐसा सर औकात से खेल लेते हैं। शंटिंग से एक चीज हमने सीखी सर, शंटिंग से हम करंट का लोड बढ़ा सकते, बिल्कुल बिल्कुल करंट का लोड बिल्कुल बढ़ गया है, पहले 100 था अब 750 तक झेल रहा है। आज ये शंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ना, कि शंट शंट बार बार उतरता है कि एक तो मतलब समझो इसका क्यों लगाते हैं। और जनरली ये कब मिलेगा शंटिंग वर्ड तुम्हें, जब अमीटर का केस होगा, ये वर्ड ही तुम्हें तब मिलेगा ज्यादातर सुनने में। हाँ, शंट का मतलब हमेशा पैरेलल होता है, इसको कभी भी सीरीज में नहीं लगाने का, बिल्कुल नहीं लगाने। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि मैं वोल्ट मीटर के साथ शंट लगा देता हूँ तो ये तो गलत है सर, सरासर गलत है। वोल्ट मीटर के साथ शंटिंग नहीं होती सर, उसका वैसे ही रेजिस्टेंस बहुत हाई है। ठीक है, उसमें तुम और देना चाह रहे हो, हाँ तो शंटिंग तो जब भी होगी तो पैरेलल में होगी सर, बिल्कुल होगी। ठीक है सर, आगे चलें। बहुत चलो सही क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल बहुत अच्छी चीजें मिली सर सीखने को, मजा आया। सीखने का क्वेश्चन है सर, लोड का डिवीजन है सर, चलें। बिल्कुल, कैलकुलेशन भी थी छोटी मोटी मगर सीखने को ज्यादा मिला इसमें। ये टू आंसर हो गया आपका, हाँ सर, हाँ लास्ट क्वेश्चन, अच्छा एक दो और है, अच्छा सर बहुत, आपने 10 साल से भी ऊपर का ले लिया लगता है डेटा, दिखने में बहुत खतरनाक वापस से सर, और वही खुदा पहाड़ निकली चुहिया, क्या है सर? पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे सर, डराते ज्यादा थे, आंसर छोटे छोटे होते थे। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो सर्किट खुद ही देखो क्या लग सकता है यार, एक ही टॉपिक बच रहा है, पोटेंशियोमीटर आ गया, अमीटर आ गया, वोल्ट मीटर आ गया, मीटर ब्रिज आ गया, उससे पहले रेजिस्टेंस, करंट, रेजिस्टिविटी, सब कुछ आ गए, एक ही टॉपिक बच रहा है बीच का, WSB, क्या है सर? व्हीटस्टोन ब्रिज, वही बचा हुआ है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, हालांकि व्हीटस्टोन ब्रिज हमने एक क्वेश्चन में हल्का सा लिया था अभी वो स्टंटिंग में, तो सर्किट बना के बताऊं, चाहे सर्किट से बनाना चाहो तो बता दो, नहीं तो ठीक है देख लेते हैं। जरा सी बात है, आपको बेटर नजर आ जाएगा ऐसे दिखाओगे सर, बिल्कुल सितारे बना के, हां हां फील ले जाएंगे आप, ये IG0 कराएंगे सर, देखो अब जरा खुद ही देखो इसको, या तो पकड़ के ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो यार, पेपर मत फाड़ देना पेपर में कहीं, कंप्यूटर ऑनलाइन सर पेपर दे रहे हो, बोले सर ने कहा था सर सिस्टम घुमा दिया उसने पेपर में जाके, पता चला सर्वर डाउन कर दिया सारे बच्चों का। ठीक है, अब बस मैच कर लो, 4 था तो ये 4 रख दिया, 4 ओम आ गया, ये 6 था तो ये 6 ओम रख दिया, ये 2 था ये 2 ओम आ गया, ये आ गया 3 ओम, और ये आ गया 4 ओम। ठीक है, ये आपके पास ए बोल दो, इसको आप बोल दो बी, तो सर वीडीसोन चेक करने का सीधा सीधा तरीका है, दिस अपॉन दिस करके देखो, तो 4/6 का जो रेशियो होता है वो कितना बनता है 2/3, बिल्कुल सर, ये तो मैं पहला देख लिया, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सर, बिल्कुल, और यहाँ पे कितना हो रहा है 2/3, सेकंड केस में क्या हो रहा है 2/3, बिल्कुल, अगर ये रेशियोज इक्वल होते हैं 2/3 2/3 तो 20 वाले रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं होता है, यानी के सर करंट बहेगा ही नहीं, यानी गैल्वनो, इसे बोलते हैं गैल्वनोमीटर ब्रांच, तो तुम जो लगे पड़े हो, कई लोग क्या है ना बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ के आते हैं, है ना, वो ज्ञान क्या लगाते हैं कि उसके आगे का, अच्छा तो ये रेजिस्टेंस कहीं भी जा नहीं रहा है पैरेलल सीरीज में, तो स्टार डेल्टा लगा के सॉल्व कर रहे हैं जबरदस्ती, तो नहीं करना है यार, पहले चेक करो, स्टार डेल्टा भी तब लगता है जब व्हीटस्टोन फेल हो जाता है, तो यहाँ फेल नहीं हो रहा, R1/R2=R3/R4 हो रहा है, तो फिर क्यों करना है मेरे दोस्त, तो ये वाली ब्रांच को कैंसिल कर दो, अब तो कहानी सर सिंपल सी है, ऊपर सीरीज तो यहाँ पे इसे ऐसे हम गायब कर देते हैं बस, तो अब हमें बस ये प्यारा प्यारा सा सर्किट दिखाई दे रहा है, आहा 4 और 2 ऊपर हो गए, 6 और नीचे हो गया सर, तो 9 ओम, 6 ओम का पैरेलल हो गया किसके साथ, 9 ओम के साथ, 9 ओम के साथ, तो आर नेट की जो वैल्यू आ जाएगी 6 × 9 वो हो जाएगा 54/15 ओम, बिल्कुल ठीक है, करंट की वैल्यू पूछी है, बिल्कुल, तो बस सिंपल है, I=V जो कि नहीं गिवन है, सिर्फ V है, नेट रेजिस्टेंस दैट इज दिस V आपके पास आ जाएगा 5V/18 जो कि आई थिंक ओनली ऑप्शन 3 से ही मैच कर रहा है और कोई नहीं है, हाँ इससे ये गलती, ये ह्यूमन एरर होता है ध्यान रखना, कहीं छोटी मोटी गलती करके सब कुछ सही करने के बाद भी तुम ये गलती कर जाओ, ध्यान रखना कि रेशो क्या बन रहा है, चेक कर लेना एक बार। चलो नेक्स्ट सर, ये आपका आंसर हो गया, नेक्स्ट आ गया, ओह वापस से वही सेम सवाल, मगर फिर सर ट्रिक है,
पुरानी क्वेश्चन है ना, यानी वो है ना ओल्ड इज गोल्ड वाले कॉन्सेप्ट रहते हैं। अब ये क्वेश्चन है ना सर, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन विटस्टोन पे नहीं कराया, लेकिन फिर भी गलत होता है। अब क्या होता है, ये डायग्राम देख के बच्चा एक बार में मैं तुमसे पूछूं, सब बोलेंगे आर इक्विवेलेंट कितना है, तो सब बोल दोगे फटाफट से सर आर इक्विवेलेंट होगा आर, ठीक है। अब तुमने उसने बोला है करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो सब बोल दोगे सर करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, कितनी गिवन है सर वी, इसमें गिवन होगी आई थिंक ये रखी देखो वी, तो सर वी बाई आर, और सर पहला ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपको मिल गया वी बाई आर, टिक करके आगे आ जाओगे, बाद में फिर क्लेम और करोगे कि हमारा सही था आंसर की गलत निकाली। अब गलती कहाँ हो रही है सर, कहाँ गलती हो गई बताओ सर। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन में लिखा है द करंट फ्लोइंग इन ए एफ सी ई बी, इसका क्या मतलब हुआ, करंट इन ए एफ सी ई और बी, मतलब आपको ये पूछ रहा है यहाँ से करंट आया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया और यहाँ पे आया, और ये ह्यूमन एरर है क्योंकि प्रेशर में इतना आपको टोटल प्रेशर होता है, गलती होती है, पूछी जा रही है दिस इज आई नॉट, ये आपको टोटल करंट नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि इस स्पेसिफिक ब्रांच में जिसमें करंट स्मॉल आई है उसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे भी डाउट कि सर हम कैसे माने, अभी हम बोल देंगे V by 2R होगा, बट अब ध्यान रखना वीटस्टोन तो अभी भी हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, अब ये देखो भाई दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये तो तुमने सीख रखा होगा हर, क्योंकि हर जगह मिलता है इसे, हम स्ट्रेच डायग्राम नहीं बनाएंगे, अब ये हट गया तो जो करंट आएगा वो सीधा इधर ही तो आएगा दोस्त, और सीरीज में रेजिस्टेंस कितना है इस केस में, ओनली R प्लस R, सीरीज में करंट आएंगे तो 2R, तो फिर वोल्टेज, अब वोल्टेज तो सर दोनों नोड पे सेम जाएगी क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ऊपर वाली ब्रांच पे भी वी रहेगी, नीचे वाली ब्रांच पे वी रहेगी, एक और होता तो उस पे भी वी जाती, तो वी टोटल वोल्टेज हो गई और 2R आपका रेजिस्टेंस हो गया, तो ये बस ध्यान रखना है, प्रेशर होता है एग्जाम में, ओनली लोअर ब्रांच का रेजिस्टेंस लेना है आपको नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस जो है R नेट उसकी वैल्यू कितनी है 2R, तो करंट की वैल्यू स्मॉल I कैपिटल I निकालता तो ये सही होता, ठीक है, स्मॉल I निकाल रहा हूं तो कैपिटल लाइट दो में स्प्लिट हो जाएगा, आधा ऊपर आधा नीचे, चाहे ऊपर की ब्रांच हो चाहे नीचे, दोनों का आंसर यही आना है V by 2R, बहुत बढ़िया, चलो अच्छा क्वेश्चन था, ओल्ड क्वेश्चन रहते हैं मगर अच्छे अच्छे आते हैं, चलो एक बल्ब क्वेश्चन रह गया था, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको बहुत इजी सॉल्व किया जा सकता है सर, बिल्कुल चलो सर आप क्वेश्चन पढ़ दीजिए, 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब, देखो हमेशा बल्ब अकेला नहीं आता, यहाँ पे भी एक चीज है सर, हाँ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट एसी सप्लाई लाइन, द पावर ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन इन ईच केस रिस्पेक्टिवली, चलो सर देखिए सर इसमें भी सर एक ही बात है सर, हर बल्ब की अपनी एक औकात होती है सर, वापस ठीक है बस ये इसकी औकात ही लिखी हुई है सर, कि मेरे अक्रॉस अगर 220 वोल्ट तुम दे दोगे तो ये 220 वोल्ट मैंने दे दिया तो मैं किस पावर से ग्लो करूँगा, मैं जो पावर दूंगा वो दूंगा 100 वोल्ट, जो तुमने अगर 221 वोल्ट लगा दिया तो मैं तो जलूंगा भैया, मेरी औकात से बाहर की बात हो चुकी है, तो 221 वोल्ट तो अप्लाई नहीं किया जा सकता, यहाँ पर लिख के दे रहा है, ये लिखी हुई बात है ये, ठीक है, लेकिन अगर मैं वोल्टेज देता हूँ लेस देन 220 वोल्ट तो भैया मेरा 100 वाट का ग्लो तो नहीं मिलेगा आपको, मेरा ग्लो क्या हो जाएगा, पावर भी क्या हो जाएगी, लेस देन 100 वाट हो जाएगी। अच्छा पावर सर कैसे रिड्यूस होती है, पावर रिड्यूस होने का भी सर फॉर्मूला है इसका, वो है पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, जिस प्रपोर्शन में आप वी घटाओगे उसके स्क्वायर के प्रपोर्शन में पावर घटेगी, ठीक है सर, बस ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, बाकी बहुत क्वेश्चन इजी है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और पावर के और भी फॉर्मूले लिख लेंगे बट अभी यहां की हां इस केस में इससे काम हो जाएगा, I स्क्वायर R वाला नहीं काम करेगा यहां, ये तो बस हमारे पास दो बल्ब लगे हुए हैं, एक बल्ब ये रहा एक बल्ब ये रहा, ठीक है, हमने फर्स्ट केस में बैटरी जो लगाई थी इसके अक्रॉस लगाई थी 220 वोल्ट की, दिस इज बल्ब दिस इज बल्ब, ठीक है, अच्छा दोनों बल्ब आइडेंटिकल है सर, दे रखा है आपको सेम है, टू बल्ब दे रखा है, तो भाई इनका रेजिस्टेंस भी सेम ही होगा, इनका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया आर एन आर, तो भाई ये 220 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस कितना होगा 110 वोल्ट ड्रॉप, और इसके अक्रॉस कितना होगा 110 वोल्ट ड्रॉप, ठीक है। अब मैं आपको कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं क्या सिखा रहा हूँ, 220 वोल्ट अगर आप देते हो
तो पावर कितनी आती है 100 वॉट। ठीक है, सिंपल है, 110 वोल्ट दोगे इसका मतलब आपने क्या किया, वोल्टेज को कर दिया आधा। तो हमको क्या फॉर्मूला पता था, V प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर है, यहाँ पे V बाय 2 डालते ही पावर कितनी हो गई, 4 times डिक्रीज हो गई। तो बस आपने वोल्टेज को आधा करोगे तो पावर कितनी बार डिक्रीज होगी, 4 times, तो 4 times डिक्रीज करेंगे तो 25 वॉट हो गई। तो मतलब हर बल्ब जो अब आपको वोल्टेज देगा, जो पावर देगा वो कितनी देगा, 25 वॉट ये देगा और 25 वॉट ये देगा। तो आपको अगर टोटल पावर लिखनी हो, पी टोटल, तो क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे 2 × 25 वॉट, दैट इज इक्वल्स टू 50 वॉट। हाँ बिल्कुल है, तो ये आपको दो ऑप्शन है, एक थर्ड और एक सेकंड ऑप्शन आंसर है आपका। ठीक है, तो दोनों बल्ब अगर पावर बोला है तो दोनों बल्ब की पावर आपको ऐड करनी है, और ये आप लॉजिक लगाओ कि वोल्टेज अगर आपने आधा कर दिया है तो पावर 4 times कम हो गई, तो एक काम तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपने दोनों बल्ब को अगर पैरेलल में लगा दिया, ये आपके पास R है, ये आपके पास R है, बैटरी की वैल्यू कितनी थी, ये आपको दे रखा है 220 वोल्ट, तो बस इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है 220, और इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप है 220। तो भाई इसको इसकी औकात के बराबर ही तो वोल्टेज दे रहे हैं, तो किससे ग्लो करेंगे, ये ग्लो करेगा 100 वॉट से फुल कैपेसिटी से, और ये भी ग्लो किससे करेगा, 100 वॉट से फुल कैपेसिटी से। अब पावर टोटल लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 × 2, दैट इज इक्वल्स टू 200 वॉट। तो बस पैरेलल में कंबाइन करोगे तो 100 + 100 = 200, ये आपका आ गया, और सीरीज में कंबाइन करोगे तो 25 25 50, ये आपका सेकंड आंसर है। बहुत सही क्वेश्चन था, इसको कैलकुलेट नहीं करने बैठ जाना है कि 110 वोल्ट है तो पावर में निकाल के मानूंगा वी स्क्वायर अपॉन आर, अब मेरे पास आर नहीं है तो मैं इस डेटा से आर निकालूं, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, मैं रॉन्ग क्यों कह रहा हूँ, उससे आंसर बेशक आएगा लेकिन वो नीट का पर्पस सॉल्व नहीं करेगा आपका। ठीक है, 5 मिनट खा जाएगा, इसका आर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप बस प्रोपोर्शनलिटी का फॉर्मूला लगाओ कि वोल्टेज, बिल्कुल वोल्टेज ज़्यादा किया है तो पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको बिल्कुल आर नहीं निकालना है सर। मेजोरिटी ऑफ बच्चा 95% बच्चा यही करता है कि पहले आर निकालेगा, फिर पावर निकालेगा, फिर उसको ऐड करेगा, 5 मिनट विल बी डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको ये अप्लाई करो प्रोपोर्शनलिटी वाला फॉर्मूला। ठीक है सर, आगे चलें। सर शायद एक दो क्वेश्चन और पड़े हुए हैं, छोटा सा क्वेश्चन है सर, करके देख सकते हैं इनको, है ना, लास्ट है ना, 1.5 hours एक लास्ट क्वेश्चन है ना, अच्छा ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है सर, ये आप कराइए प्लीज। फॉर ए सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट व्हेन सर्किट इज ओपन, क्या कह रहा है, एंड रिड्यूसेस टू 1.8 वोल्ट व्हेन सेल इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 5 ओम, द इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करें जल्दी से बताओ भाई, सर लेंगे आप ही तो सर कुछ भी नहीं दे रखा है सर, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्या है कि सेल चाहे जितना भी इंटरनल रेजिस्टेंस कैरी करे, बिल्कुल अगर वो ओपन सर्किट में पड़ा हुआ है तो ये आपके पास E दे रखा है, दैट इज 2.2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r दे रखा है, सेल चाहे कितना भी इंटरनल रेजिस्टेंस कैरी करे उसका EMF अगर 2.2 वोल्ट है तो ओपन सर्किट अगर है, ओपन सर्किट में सबसे पहली बात करंट की वैल्यू होती है 0, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, तो आप क्या लिखोगे सीधा पोटेंशियल ड्रॉप VAB इक्वल्स टू सेम एज 2.2 वोल्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, बिल्कुल ओपन सर्किट के लिए EMF पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, दैट इज क्लियर, बिल्कुल। सेकंड क्या सिनेरियो है सर, सेकंड सिनेरियो है आपका कि इस बैटरी को आपने 2.2 वोल्ट वाली बैटरी को आपने एक 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अब ये सर्किट हो चुका है चालू, बिल्कुल इसमें आ जाएगा करंट I, बिल्कुल। अब आपको पूछा है बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ये पहला इक्वेशन था, इसकी सेकंड इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा VAB इक्वल टू
ये सर सबको सबको याद होता है, क्या होता है, ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, दिस इज ई माइनस आई इंटू आर। तो ई कितना दे रखा है आपको, 2.2 माइनस आर और आई, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बोलेंगे सर करंट कैसे निकालें, तो करंट की वैल्यू भी ईजी है, अगर करंट निकालना है आई तो आपके पास ई एम एफ कितना है, 2.2, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर प्लस आर 5, तो ये दोनों ऐड हो गए। आप इस इक्वेशन करंट को इस इक्वेशन में फिल करो, ठीक है, और आई का वैल्यू यहाँ से निकाला जा सकता है, ठीक है, ये भी आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो पुट करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है सर आपके हिसाब से, फिर आर की वैल्यू 9/10 थी शायद, चेक कर लेते हैं, 10/9 आ रहा है, ठीक है। तो दो इक्वेशन है आपको सॉल्व करना है, आर का वैल्यू बहुत इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है VAB का वैल्यू, सेकंड केस में तो VAB लिखा था ना हमने, जब सर्किट ओपन था, सर्किट चालू था, जब क्लोज सर्किट में, तो क्या लिखा था, E माइनस IR लिखा था, बिल्कुल, तो बस ये VAB का वैल्यू आपको दे रखा है 1.8 वोल्ट, ये आपको पता था 2.2, करंट आप आसानी से निकाल चुके हैं, बचा ये, और ये आप आसानी से निकालना है, ठीक। तो ये सर आज हमने कहानी का मेरे हिसाब से लंबा पूरा आज खींचा है सर मैटर, 2021 से चालू कर रहा था हमने और 2002 में आ गए, बहुत ज्यादा छोटे हो गए। अगर कोई भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको जरूर एड्रेस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होती है आपको तो प्लीज आप क्वेश्चन नंबर या फिर कोई कंसेप्ट में आपको दिक्कत होती है, बहुत सारी चीज आने वाली है, थ्योरेटिकली भी कवर करेंगे, अब ये तो एग्जाम टाइम है तो इसलिए हम PYQs करा रहे हैं, बहुत सारी चीजें होंगी तब और मजा आएगा, मैं तो सोच रहा हूँ थ्योरी में भी ऐसी घमासान मचाया करेंगे, स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही हो कोई कॉन्सेप्ट समझने में, तो आप प्लीज कमेंट में लिख दीजिए, हम उसको रीड करेंगे और हो सका तो हम बीच में आपको उसको प्रॉब्लम को एड्रेस भी करेंगे। आप कभी भी देखें, कभी बिल्कुल देखें, लाइव देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप बाद में भी कभी देख रहे हैं तो भी जरूर कमेंट करें, हमारी टीम रेगुलर सर्च करती रहती है, तो आपके उस डाउट का सॉल्यूशन हम कराएंगे, बिल्कुल। तो चलो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सर बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, ऑल द बेस्ट।